होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही शदीद किस्म वाली रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि मेरी हर यूट्यूब वीडियो के नीचे कोई ना कोई कमेंट, कोई ना कोई भी नहीं, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें ये होता है कि अपनी वैनिटी दिखा दें, आपका ड्रेसिंग टेबल कैसा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ जी अपना वैनिटी टूर। आप में से काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई इतने ढेर सारे PR पैकेजेस आते हैं तो मेरी वैनिटी में होने वाला है बहुत ढेर सारा मेकअप, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी वैनिटी में आपको मेकअप से ज्यादा एक्सेसरीज, ज्वेलरी, हेडबैंड्स, इस तरह की चीजें ज्यादा नजर आएंगी। ज्यादा मेकअप क्या करती हूँ मैं, बांट देती हूँ जिस किसी को भी जरूरत होती है। कोई बंदी है जिसकी शादी है, वो अफोर्ड नहीं करती, तो मैक्सिमम जो मेरा मेकअप है ना वो इन चीजों में चला जाता है। बहुत बातें शातें हो गई और मुझे लगता है इंट्रो मैंने लंबा कर दिया है, तो चलते हैं जी हम अपने वैनिटी टूर की तरफ। मैं बस आपको बेसिक सा आइडिया देने वाली हूँ कि भाई मेरी वैनिटी कैसी दिखती है। यस, लेट्स गो जी। तो कुछ इस तरह से मेरी वैनिटी है, ये आपको ऊपर मिरर नजर आ रहा होगा और नीचे तक अब मैं आपको दिखा देती हूँ। दोनों साइड्स पे ये इस तरह से 6-6 ड्रॉर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 इधर और 6 ही उधर। और इसके ऊपर लगा हुआ है जी ये वाला ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास मैंने इस पे लगवाया था, क्योंकि बड़ी मज़े की लुक आती है जब आप इसको ऊपर से इस तरह से देखते हैं। और ये आपको मिरर में नज़र आ रही होंगी मैं, हाय। ओके हो गया, अब मैं आपको ये फ्रंट से दिखा रही हूँ और अब मैं इसकी लाइट ऑन करूँगी। वैनिटी की जितनी भी लाइट्स हम इनको ऑन कर देंगे। यहाँ ऊपर इसका बटन है, ये यहाँ पे इसको मैंने ऑन कर दिया, और ऑन करने के बाद ये बिल्कुल इस तरह से चमक गया है, ब्राइट हो गया है। अब चलते हैं जी हम अपने, सबसे पहले ऊपर वाले पोर्शन पे क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस वाली साइड पे ये हमारे पास कुछ मॉइस्चराइज़र पड़े हैं, कुछ परफ्यूम्स हैं और हेयर ब्रश है, जो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं। और ये एक परफ्यूम पड़ा हुआ है। दूसरी साइड पे अगर हम जाएँ, ये दूसरी साइड है, यहाँ पे ये वाला हमारे पास क्या इसको बोलते हैं, रोटेटिंग स्टैंड, यस आई थिंक रोटेटिंग स्टैंड ही बोलते हैं, ये वाला रोटेटिंग स्टैंड है। इसके ऊपर जो रेगुलर बेसिस की चीज़ें होती हैं, कुछ परफ्यूम्स जो मुझे बहुत पसंद हैं वो यहाँ पे मैंने रखे हैं, कुछ ऐसा मेकअप है जो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ वो रखा है, साथ इसके ये एवरीडे यूज़ वाले ब्रशेस हैं, और यहाँ पे ये एक मैंने पोर्टेबल मिरर रखा है ताकि जब मैं मेकअप करूँ और मुझे थोड़ा क्लोजअप देखना हो तो मैं इससे देख सकूँ। ठीक हो गया। पहले जो दो मग्स हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है, इनके ऊपर ये वाली पिक्चर्स मैंने खुद कस्टमाइज़ करवाई थी। कोई भी वाइट मग लेके आप इनके ऊपर जो ये वाली इमेजेस हैं इस तरह की वो प्रिंट करवा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती हैं ड्रेसिंग टेबल के ऊपर, वैनिटी के ऊपर, जहाँ भी आपने रखनी हो। एक ये वाला है रोटेटिंग स्टैंड के साथ, ये वाला अल्फाबेट है के, और ये बहुत गंदा हो चुका है तो इसको हम बाद में साफ़ करेंगे, अभी मैं वैनिटी टूर कराने के बाद इसको साफ़ करूँगी। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखा देती हूँ ये वाले दो ड्रॉर्स, ये आपको ऑलरेडी भी यहाँ ऊपर से नज़र आ रहे होंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। ऊपर वाले दोनों ड्रॉर्स के अंदर वो वाली चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, या वो वाली चीज़ें हैं जो मैं वीडियोज़ के लिए मोस्टली यूज़ करती हूँ। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा सब कुछ दिखा देती हूँ, एक ओवरऑल आपको एक समरी दे देती हूँ, क्योंकि अगर तो मैं डिटेल में गई ना तो भाई बस घंटे की वीडियो बन जाएगी। पहले इन दोनों ड्रॉर्स की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम नीचे जाएंगे। इस वाले ड्रॉर के अंदर कुछ हमारे पास ये ब्लश ऑन्स हैं, ये वाले कुछ आईब्रो फिलर्स हैं, ये वाली सारी लिपस्टिक्स हैं, लिप मैट्स हैं, ये यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं, ये बीबी लिप्स पड़े हुए हैं काफ़ी सारे, मुझे बहुत पसंद हैं, बहुत अच्छे लगते हैं रेगुलर यूज़ के लिए। और उसके बाद ये कुछ मस्कारास हैं, और यहाँ पे ये कुछ पड़े हैं जी प्राइमर्स, और साथ में कुछ लाइनर, और यहाँ पे पड़ी हैं रिदा जैन की लैशेस जो बहुत ही फिट हैं। उसके बाद इस वाले ड्रॉर की तरफ आते हैं, ये रहा जी ड्रॉर, इसके अंदर यहाँ पे पड़े हैं कुछ कॉम्पैक्ट पाउडर्स और ये कुछ हाइलाइटर्स हैं, यहाँ पर ये सारे कंसीलर्स हैं, मिस रोज़ का पड़ा है, ये बॉबी ब्राउन का है, मेबेलिन, उसके बाद ये वाली कुछ फाउंडेशंस हैं, ये सारे के सारे आई ब्रशेज़ हैं, और ये वाले जो सारे हैं ये फेस ब्रशेज़ हैं,
और ये एक डायरी है यहाँ पे, और इस वाले कॉर्नर पे ये वाले सारे आई शेडो पैलेट्स हैं। ये वाले दो पैलेट्स बहुत अच्छे हैं, अनस्ताजिया के, मेकअप रेवोल्यूशन के पैलेट्स हैं। ये वाले यहाँ पे दो पड़े हैं रिदा जैन के पैलेट्स। रिदा जैन की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी होती हैं। और ये एक पड़ा है बड़ा ही क्यूट सा मिरर, इसको भी हम बंद कर देते हैं। ये वाले दोनों ड्रॉर्स मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब हम चलते हैं इस वाली साइड की तरफ। पहले ये वाली साइड देखेंगे, उसके बाद ये वाली साइड देखेंगे। ये हमारे पास सेकंड ड्रॉर है। इसके अंदर आपको मिलेगी बहुत ढेर सारी ज्वेलरी। ये इसके अंदर मैंने सारे वो वाले झुमके रखे हैं जो बड़े हैवी और वेडिंग सीजन्स के अंदर काम आने वाली ज्वेलरी है ना, इसके अंदर सारी वो वाली ज्वेलरी है। ठीक हो गया, ये सारे झुमके शुमके और ये सारा कुछ इसके अंदर है। उसके बाद चलते हैं इस ड्रॉर की तरफ। इसके अंदर क्या पड़ा है, ये यहाँ से बीच में से तो खाली है, लेकिन इसके अंदर कुछ हाइलाइटर्स हैं, कुछ ब्लशर्स हैं, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, और ये कुछ आईलाइनर्स हैं। ये वाला ड्रॉर हो गया। उसके बाद इस ड्रॉर की तरफ चलते हैं। इसके अंदर ज़्यादातर जो आई शेडो पैलेट्स हैं वो पड़े हुए हैं, सारे के सारे इस तरह से नीचे रखे हुए हैं मैंने। और ये वाले सारे मिनी पैलेट्स हैं। ये वाला ड्रॉर, ये कौन सा वाला ड्रॉर है, हमने कौन कौन से देख लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ये भी हम देख चुके हैं। और अब हम चलते हैं 6th ड्रॉर की तरफ। ये वाला हमारे पास 6th ड्रॉर है। इसके अंदर सारी की सारी स्किन केयर प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं और कुछ नई चीज़ें पड़ी हैं, कुछ सीरम्स हैं, वाइप्स हैं, लोशन वोशन सब कुछ इसके अंदर पड़ा है। इसको बंद कर देते हैं। नीचे वाली के अंदर भी यहाँ पे सारी की सारी आपको स्किन केयर ही नज़र आएगी, कुछ सीरम्स हैं और ये वाले सारे शीट मास्क हैं। तो ये वाले जो दोनों ड्रॉर हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों के अंदर स्किन केयर की चीज़ें हैं। इस साइड वाले मैंने आपको सारे दिखा दिए हैं, ये वाला भी दिखा दिया है ऊपर वाला, उसके बाद सेकंड वाला भी दिखा दिया है, थर्ड वाला भी दिखा दिया है, ये वाला था 4th जिसके अंदर सारे पैलेट्स थे, उसके बाद था ये 5th वन जिसके अंदर स्किन केयर थी, और जो लास्ट वन है ये वाला 6th, इसके अंदर भी सारी की सारी स्किन केयर है। ठीक हो गया, ये वाली साइड डन हो गई। अब चलते हैं हम इस साइड की तरफ। इस साइड का भी मैं ऊपर वाला ड्रॉर आपको दिखा चुकी हूँ, जिसके अंदर फाउंडेशन, कंसीलर्स और ये वाले सारे के सारे ब्रशेस हैं। मुझे नहीं पता मुझे सांस क्यों चढ़ रहा है। अच्छा जी, सबसे ऊपर वाला ड्रॉर ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड ड्रॉर है। इसके अंदर क्या पड़ा है, इसके अंदर ये सारी की सारी लिपस्टिक्स हैं और ये कुछ वॉचेस पड़ी हैं। इसके अंदर सारी मेरी वॉचेस पड़ी हैं और यहाँ पे कुछ लिपस्टिक्स हैं और कुछ एक दो चीज़ें हैं, ये जॉनसन्स की वाइप्स, ये पता नहीं मैंने यहाँ क्यों रखी हैं। ये वाला ड्रॉर हो गया सेकंड वन। अब चलते हैं थर्ड की तरफ। और इसके अंदर भी मैं आपको पहले बता दूँ, इसके अंदर भी सारी की सारी एक्सेसरीज हैं। ओहो बंद हो जा, ये क्या बदतमीजी है। अच्छा, तो इसके अंदर भी ये सारी एक्सेसरीज हैं। जो ये वाला है, इसके अंदर सारी की सारी जो वो हैवी वाली ज्वेलरी होती है ना, वो रखी है मैंने, ठीक है। और इसके अंदर मैंने सारी की सारी जो लाइट वाली ज्वेलरी होती है ना, मज़े मज़े वाली, जैसे कि इस तरह के नेक पीसेस, इस तरह की ज्वेलरी, हूप्स और इस तरह की पिन्स और इस तरह के नेक पीसेस, इसके अंदर सारी की सारी जो डेली बेसिस पे हम यूज़ कर सकते हैं वो वाली ज्वेलरी है। ठीक हो गया,
अब इसको भी हम बंद कर देते हैं और ये बस पता नहीं क्या हो रहा है। 1, 2, 3 तीन ड्रॉर्स मैंने दिखा दिए हैं। उसके बाद चलते हैं जी फोर्थ वाले की तरफ। इसके अंदर क्या पड़ा है, इसके अंदर अच्छा इसके अंदर ये वाली सारी नेल पॉलिशेज हैं, ये कुछ मेकअप फिक्सर हैं, यहाँ पे सारी एक्स्ट्रा फाउंडेशंस जो मैंने नहीं लगाई हुई, और ये वाली सारी लैशेस हैं, और ये कुछ काशिश की प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने ट्राई करके अभी नहीं देखी, और ये मिस्ट्रोस की कुछ चीज़ें हैं। तो ये वाला ड्रॉर है जी नेल पॉलिशेस और कुछ फाउंडेशंस, मेकअप फिक्सर्स, इस तरह की चीज़ों के लिए। फोर्थ ड्रॉर को बंद कर दिया। अब हम चलते हैं फिफ्थ ड्रॉर की तरफ, और इसके अंदर भी आपको सारे के सारे ये हेडबैंड्स, स्क्रंचीज और ये वाली सारी बेल्ट्स, ये मैंने ऑर्डर करके अभी रिसेंटली मंगवाई हैं, और ये वाले सारे के सारे इसके अंदर हेडबैंड्स हैं, मतलब ये पूरा हेडबैंड से भरा हुआ है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि भाई मेरे पास मेकअप से ज़्यादा एक्सेसरीज और हेडबैंड्स इस तरह की चीज़ें हैं। ये वाला बंद कर दिया, और अब हमारा है जी लास्ट ड्रॉर। इसके अंदर क्या पड़ा है, अच्छा हाँ इसके अंदर ये कुछ क्लचेस हैं, ये मैंने स्टाइलो से लिए थे बहुत पहले, वो पड़े हैं। ये सारी की सारी ग्लासेस हैं, और ये यहाँ पे आई थिंक हाँ यहाँ पे ये एक्सटेंशंस पड़ी हैं, ये भी मुझे यूज़ करके देखनी है अभी। तो इसके अंदर सारी की सारी हमारे पास ग्लासेस हैं। तो इस साइड के भी 6 के 6 ड्रॉर्स मैंने दिखा दिए हैं। फर्स्ट ये रहा, उसके बाद सेकंड हमारे पास ये वाली कुछ लिपस्टिक्स थी इसके अंदर, वॉचेस थी, उसके बाद थर्ड वन इसके अंदर सारी की सारी एक्सेसरीज हैं, फोर्थ वन इसके अंदर नेल पॉलिशेस हैं, मेकअप फिक्सर्स हैं, लैशेस हैं, फिफ्थ वन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये सारे के सारे हेडबैंड्स हैं, बेल्ट्स हैं और इस तरह की चीज़ें हैं, और जो सिक्स्थ वाला है इसके अंदर हैं कुछ क्लचेस और ये सारे के सारे शेड्स, सनग्लासेस, इस तरह की चीज़ें। तो भाई मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मेरी वैनिटी के अंदर आपको मेकअप नज़र आएगा, लेकिन आपको बहुत सारी एक्सेसरीज, स्टड्स, हेडबैंड्स, बहुत ढेर सारी ज्वेलरी, झुमके शुमके, इस तरह की चीज़ें आपको बहुत नज़र आएंगी। क्योंकि मुझे ना एक्सेसरीज जमा करने का बचपन से शौक है, और मुझे इस तरह की क्यूट क्यूट सी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मेकअप पसंद है, लेकिन मेकअप थोड़ा सा पीछे और इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी आगे। ये टेबल थोड़ा सा ऊंचा है तो नॉर्मल चेयर से काम नहीं चलता, तो वैनिटी के साथ है ये वाली चेयर। और जब भी आप कोई मेकअप या हेयर स्टाइल वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आपको बड़ी आसानी होती है रिकॉर्ड करने में और बैक साइड से हेयर स्टाइल वगैरह दिखाने में, तो वैनिटी के साथ ये वाली चेयर भी मैंने उसी टाइम परचेज की थी। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो वैनिटी है ये मैंने खुद बनवाई है। आप किसी भी कारपेंटर को बस आपने एक इमेज दिखानी होती है, पिंटरेस्ट पे जाएं, उस पर आपको कोई भी जो भी वैनिटी आपको अच्छी लगती है, जो भी डिजाइन अच्छा लगता है, वो आपने कारपेंटर को दिखाना है, वो आसानी से आपको बना देगा। लेकिन थोड़ा डिजाइन को मिनिमल रखें, ऐसा रखें जो हमारे यहाँ पे नॉर्मल कारपेंटर्स होते हैं वो बना सकें। सबसे पहले तो आप बनवाएंगे ये वाला जो फ्रेम है जिसके अंदर आपको ये मिरर फिट हुआ नजर आ रहा है, ये बनवाना पड़ेगा। उसके बाद आप इसके अकॉर्डिंग ये वाला जो शीशा है इसको कट करवाएंगे और इसको इस फ्रेम के अंदर फिक्स करवाएंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इलेक्ट्रीशियन को बोलना है, वो आपको इस लकड़ी के अंदर ये वाले जो होल्डर हैं ये लगा देगा। और फिर उसके बाद आप अपनी मर्जी से यहाँ पे येलो लाइट्स हों, वाइट लाइट्स हों, जो भी बल्ब आपको पसंद है, वाइट लाइट्स अच्छी लगती हैं, येलो लाइट्स अच्छी लगती हैं आपको, जैसी भी आपको लाइट्स लगवानी है वो आप अपनी मर्जी से बल्ब चूज करके, तो वो आप यहाँ पे बस इस तरह करके फिट कर देंगे। आई सजेस्ट इज ना आप बहुत ज़्यादा वाइट वाले बल्ब लें, ना आप बहुत ज़्यादा येलो वाले बल्ब लें, ये आपको नज़र आ रहे होंगे ना ये बहुत ज़्यादा येलो हैं और ना ये बहुत ज़्यादा वाइट हैं, तो ये बीच के एक बल्ब होते हैं। बहुत सारी शॉप्स मैंने घूमी थी, फिर उसके बाद मुझे ये वाले वैनिटी बल्ब्स कहीं पे नज़र आए थे, कहीं से मिले थे, एक ही शॉप से मिले थे और बड़ी नॉर्मल सी शॉप थी। तो इस तरह के बल्ब
ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ना ज़्यादा येलो लाइट अच्छी लगती है ना ज़्यादा व्हाइट लाइट अच्छी लगती है। तो बीच की जो लाइट होती है ना, वैनिटी बल्ब्स आपने मांगने हैं उनसे जाके, वो आपको इस तरह के बल्ब्स दे देंगे। ठीक हो गया। इसके अंदर आपको मेकअप बहुत अच्छा नज़र आता है, और अगर आप यूट्यूबर हैं या आपने टिकटॉक बनानी है या आपको इंस्टाग्राम का कॉन्टेंट बनाना है, तो ये वाले बल्ब्स उसके लिए बेस्ट हैं। और बाकी जो ये वाले ड्रॉयर्स हैं नीचे, ये नॉर्मली कोई भी कारपेंटर बना सकता है, और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी हैंडल लगवा लें। मुझे वो वाले डायमंड्स वाले हैंडल लगवाने थे, लेकिन वो वाले मुझे मिले नहीं, तो फिर मुझे यही लगवाने पड़े। लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के लगवाने हैं। तो भाई इस तरह से मैंने अपनी जो वैनिटी है ना वो बनवाई है। तो ये था जी हमारा वैनिटी टूर। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो गिव दिस वीडियो अ ह्यूज थम्स अप, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से जाएं और नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे कमेंट्स में आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि अगर आपको क्लोज़ेट टूर या रूम टूर देखना है तो मैं वो भी आप लोगों को दिखा दूंगी। आई लव यू गाइस सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें बहुत ढेर सारा। टेक केयर, अपना भी और अपने पेरेंट्स का भी, अपनी फैमिली का भी। बाय।